नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। मौसम बदलने के साथ ही लोगों में कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन और साइनस की समस्या बढ़ने लगती है। सिर दर्द, बहती नाक और चेहरे पर सूजन साइनस के एक कॉमन लक्षण है। बहुत कम कंडीशंस में ही साइनस की समस्या गंभीर होती है। हालांकि ज्यादा लोग इस समस्या में एंटीबायोटिक दवाएं लेते हैं, पर दवाओं से बेहतर हमेशा घरेलू इलाज ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको आज हम अपने वीडियो में बताएंगे कि अगर आपको साइनस की समस्या है तो आप कौन कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं जिसे अपनाकर साइनस की समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं। साइनसाइटिस, यानी कि साइनस की वजह से नाक बह रही है तो स्टीम लेना बेहद फायदेमंद रहता है। बर्तन में गर्म पानी लेकर तौलिए लें, मुंह ढक लें, पानी के भाप से नाक पूरी तरह से खुल जाएगी और आपको आराम भी मिलेगा। अगर हो सके तो इसमें यूकेलिप्टस ऑयल या फिर पेपरमिंट ऑयल की 3 से 4 बूंदें डालकर तब भाप लेंगे तो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। साइनस में अक्सर नाक बंद हो जाती है जिसकी वजह से सिर भारी सा रहता है। ऐसे में गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उससे अपना चेहरा ढक लें, आपको काफी आराम मिलेगा। साइनस की दिक्कत है तो गरम गरम लिक्विड पिएं। गरम लिक्विड पीने से बंद नाक खुल जाती है। ध्यान रहे कि साइनस की समस्या में गलती से भी अल्कोहल ना ले। इस समस्या से जल्दी उभरने के लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा आराम करें। लगातार बैठने और ज्यादा काम करने से साइनस की समस्या और बढ़ जाती है। थोड़ी थोड़ी देर पर सीट से उठें और नींद पूरी करें। अदरक और हल्दी का सेवन अगर साइनस के रोगी करते हैं तो उन्हें आराम मिलेगा। अदरक का एंटी इंफ्लेमेटरी गुण साइनस के मरीज को आराम पहुंचाने में कारगर साबित होता है। अदरक की तासीर गर्म होती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, लिहाजा ठंड में इसे लेने से जुकाम में फायदा पहुंचता है और साइनस से परेशान व्यक्ति की बंद नाक खुल जाती है। अब हल्दी और अदरक दूध में डालकर इसे गर्म ही पिए। अदरक के रस को 1 चम्मच शहद के साथ भी ले सकते हैं। दिन में 2 बार ऐसा करें, साइनस में आराम महसूस करेंगे। साइनस की परेशानी है और आप सिरदर्द से परेशान रहते हैं तो नियमित रूप से लहसुन की 2 से 3 कलियों को भूनकर उन्हें खाएं, आराम आपको जरूर मिलेगा। लहसुन की तासीर गर्म होती है, ऐसे में इसके सेवन से कफ में भी आराम मिलता है। दोस्तों, वैसे कोशिश करें कि आपको साइनस की समस्या ज्यादा ना हो। इसके लिए आप हमेशा रात के वक्त ठंडा खाना ना खाएं, ना ही कोल्ड ड्रिंक पिएं, ना ही जंक फूड खाएं और ना ही ज़्यादा तेल से बना हुआ खाना खाएं। आपको रात में ठंडे पानी का सेवन भी नहीं करना है और हमेशा रात में भाप लेकर सोएं। ये साइनस की समस्या को काफ़ी हद तक सुधार करने में मदद करता है। इसीलिए अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें और साइनस की समस्या ना बढ़े, इसके लिए आप हमारे बताए गए घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।